आज हम करेंगे ट्रायल्स। ट्रायल्स कितने प्रकार की होती हैं और उनका अलग अलग किस तरीके से वो ट्रायल्स होती हैं, वो सबको हम डिटेल में करेंगे। आज वाली क्लास में जो हम बेसिकली करेंगे वो सेशंस ट्रायल्स हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ हम समझ लेंगे कि ट्रायल्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन करता है। लेकिन सेशन ट्रायल शुरू करने से पहले हमें दो तीन बेसिक सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो हम उनसे शुरू करते हैं। देखिए, हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हम बोल सकते हैं प्री ट्रायल, प्री ट्रायल स्टेज। उसके बाद आपका आ गया ट्रायल स्टेज, और उसके बाद आ गया आपका पोस्ट ट्रायल स्टेज। तो ट्रायल को हम, मतलब बेसिकली ट्रायल तो एक ही रहेगी, लेकिन प्री ट्रायल, ट्रायल शुरू होने से पहले वाली स्टेज, फिर ट्रायल वाली स्टेज, और एक पोस्ट ट्रायल स्टेज। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने किया था कि ट्रायल शुरू होने से पहले क्या होता है। ट्रायल शुरू होने से पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, तो यहाँ पर पुलिस का सारा सीन आ जाता है। तो पुलिस पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी, चालान जिसको हम बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, और चार्ज फ्रेम होते ही आपकी ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगी। अब ट्रायल मान लीजिए खत्म हो गई, ट्रायल में या तो आपने किसी को एक्विट कर दिया या आपने उसको कन्विक्ट कर दिया। मतलब आपने ये मान लिया, ये प्रूव हो गया कि यस ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, उसको आपने कन्विक्ट कर दिया। तो कन्विक्ट के बाद आती है पोस्ट ट्रायल स्टेज, कि उसको सेंटेंस कैसे देनी है, किस तरीके से उसको सजा दी जाएगी, और सजा के अगेंस्ट अपील कैसे हो सकती है। तो ये सारी चीजें आती है पोस्ट ट्रायल पे। आज बेसिकली हम कंसंट्रेट करेंगे ट्रायल पे। प्री ट्रायल हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी पुलिस, चालान कैसे पेश करेगी, उसके बाद कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। एक एक सेकेंड। चलिए, हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दी। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉग्निजेंस होता है। जैसे ही कॉग्निजेंस लिया तो स्टेज आ गई इंक्वायरी की, इंक्वायरी चलेगी। उसके बाद होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, हम चार्ज फ्रेम कैसे होते हैं, चार्जेस के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, वो हम सब देख चुके हैं। तो जैसे ही चार्ज फ्रेम हो गए, यहां से ट्रायल अपनी शुरू हो जाती है। तो एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, बार बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, मैंने काफी एग्जाम्स में देखा है, वो ये है कि ट्रायल कब से शुरू मानी जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से शुरू मानी जाएगी। यहां पर देखिए, इस स्टेज पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, और दूसरी यहां पर पॉसिबिलिटी आती है कि आपने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है जी। तो जैसे ही डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब ट्रायल तो चली ही नहीं, अक्यूज अपने घर। लेकिन अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो इसका मतलब ट्रायल चलेगी। अब एविडेंस होंगे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, फिर डिफेंस एविडेंस होंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज होगा। सारी चीज सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला करेगा। तो ये ट्रायल का थोड़ा सा बेसिक था। अब हम देखते हैं कि ट्रायल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ ट्रायल्स की बात की जाए, तो इसको हम ऑलमोस्ट थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो गया सेशन स्टाइल, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, और तीसरा है समरी ट्रायल्स। ये चैप्टर 21 में आता है, दिस इज इन चैप्टर 18, सेशन ट्रायल चैप्टर 18 में आता है। और ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट इन समन्स केस, जो कि चैप्टर 20 में है, सॉरी, और ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट इन वारंट केस, जो कि चैप्टर 19 में आता है। अब समन्स केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है, वो हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, तो उसके हम ज्यादा उसमें अभी नहीं जाएंगे। अभी हम बेसिकली सेशन ट्रायल से शुरू करते हैं कि सेशन ट्रायल का क्या सीन होता है। देखिए, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई, FIR हो गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी। अब ये पुलिस रिपोर्ट जब पेश होगी, तो पुलिस रिपोर्ट किसके पेश होगी, इलाका मजिस्ट्रेट, मतलब जिस जिसकी जुरिस्डिक्शन में
ये पुलिस स्टेशन आता है, मान लीजिए ये इस मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन में ये पुलिस स्टेशन आता है, तो इस मजिस्ट्रेट के पास हम ये पुलिस रिपोर्ट भेज देंगे। यहां पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कॉग्निजेंस, वो कॉग्निजेंस ले लेंगे इस पुलिस रिपोर्ट पर, और जैसे ही वो देखते हैं कि भैया जो केस है वो केस सेशन कोर्ट ही ट्राई कर सकता है, तो वो सेशन कोर्ट को वो केस को कमिट कर देंगे। तो अब मान लीजिए जो केस है वो सेशन कोर्ट पहुंच चुका है, अब ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट शुरू हो गई, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाते ही सेशन कोर्ट क्या सुनिश्चित करेगा कि सेक्शन 207, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सेक्शन 207 को जाके देखिए, सेक्शन 207 में ये कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस रिपोर्ट से संबंधित जो भी अटैच किए हैं प्रोसिक्यूशन ने, उसकी कॉपी आप अक्यूज्ड को देंगे। बस सिंपल सा फंडा है, जब आप अक्यूज्ड को यही नहीं बता रहे कि क्या उसके खिलाफ सबूत हैं, क्या उसके खिलाफ बातें आई हैं, तो वो अपने आप को डिफेंड क्या करेगा। अक्यूज अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके इसलिए जरूरी है कि जिस भी डॉक्यूमेंट पर, जिस भी पुलिस रिपोर्ट पर, जिस भी बाकी जो चीजें हैं प्रोसिक्यूशन के पास हैं, उसकी एक कॉपी अक्यूज को दी जाए, ताकि अक्यूज अपना डिफेंस बेहतर तरीके से तैयार कर सके। तो सबसे पहले तो सुनिश्चित किया जाएगा 207 सेक्शन का कॉम्प्लाई किया है या नहीं किया। ये 207 सेक्शन का कॉम्प्लाई कौन करेगा, ये 207 सेक्शन का कॉम्प्लाई करेगा मजिस्ट्रेट। तो सेशन के पास आप पहुंचे तो सेशन जाते ही पूछेगा, हाँ भैया 207 का जो कॉम्प्लायंस है वो हो चुका है नहीं हो चुका, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। इस स्टेज के बाद सबसे पहले हमें देखना है सेक्शन 225, सेक्शन 225 ये एमसीक्यू के एग्जामिनेशन के प्रस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज बार बार पूछी जाती है कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन में जब भी ट्रायल शुरू होगी तो प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय हुम, कौन प्रोसिक्यूशन करेगा। देखिए बहुत बेसिक सा फंडा है, दो पार्टीज होती हैं, वन इज द प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केस में और दूसरा है डिफेंस। तो भैया डिफेंस तो अक्यूज हो गया, अक्यूज अपना डिफेंस करेगा, उसका वकील करेगा, प्रोसिक्यूशन कौन करता है, स्टेट करती है। तो स्टेट की तरफ से कौन प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा सेशन ट्रायल में, इसका जवाब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये हमें याद करना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन में प्रोसिक्यूशन कौन कंडक्ट करेगा, द आंसर इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब इसके बारे में हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है, तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, अब हुआ क्या कि सेशन के पास मामला पहुंच चुका है, सेशन ने पूछ लिया कि 207 की कॉम्प्लायंस हुई है नहीं हुई। उसके बाद होता है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, सबसे पहले केस प्रोसिक्यूशन को ओपन करेगा। ठीक है, और सबसे पहले ये बताएगा प्रोसिक्यूशन कि ओपन कैसे करता है, वो डिस्क्राइब करेगा कि भैया इस अक्यूज के अगेंस्ट ये चार्ज हैं, कि कौन कौन से चार्ज अक्यूज के अगेंस्ट लगाए गए हैं, मतलब जो चालान पेश किया उसमें कौन कौन से चार्ज इसमें अक्यूज के अगेंस्ट लगाए गए हैं। ठीक है, और वो ये भी बताएगा कि वो किस एविडेंस के द्वारा इन चार्ज को प्रूव, मतलब इन ये प्रूव करेगा कि अक्यूज गिल्टी है या नहीं है। तो इसमें बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं कि जब ओपन करेगा केस को प्रोसिक्यूशन, तो वो दो चीज बताएगा कि एक तो चार्ज कौन से बनते हैं अक्यूज के अगेंस्ट, चार्ज से मेरे कहने का मतलब है कि कौन से सेक्शन में, विच सेक्शन, सेक्शन 299 है, 302 है या 304 है, 323 है या 325 है, मतलब कौन से धारा के तहत उस पे ऊपर चार्ज लग रहा है। और दूसरा वो ये भी बताएगा कि भैया कौन कौन से एविडेंस वो लाना चाहता है कोर्ट में, जिससे कि वो गिल्ट प्रूफ कर सके अक्यूज्ड का। तो यहां से हमारी शुरुआत हो चुकी है अब केस की। अब आगे जाके देखिए, अब ओपनिंग ऑफ द केस हो चुकी है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कंसिडर करेगा रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो केस का रिकॉर्ड है, जैसे पुलिस रिपोर्ट हो गई और जो डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, ठीक है, एविडेंसेस अगर कुछ पहले हुए हैं कॉग्निजेंस की स्टेज पर, वो मतलब जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उस फाइल पर कोर्ट उसको कंसिडर करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए उसको कंसिडर करेगा, और फिर अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुनेगा। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि भैया मामला जब सेशन के पास आ चुका है, तो सेशन को सबसे पहले जो स्टेज आती है वो ये है कि चार्ज फ्रेम होंगे या नहीं होंगे। तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए वो सारा जितना भी रिकॉर्ड है, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो कंसिडर करेगा, और उसके बाद वो अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन की सबमिशन सुनेगा। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज यहां से बनती हैं, जब कोर्ट ये दोनों चीज कर लेगा
तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, अक्यूज के अगेंस्ट कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ऐसे ही उसको फंसाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेशन। सेशन जज को लगता है साहब कि ये तो यार गलत मामला बना दिया, कोई मामला ही नहीं बन रहा था, ठीक है। और ये कैसे लगेगा, मैंने आपको बताया ये कब लगेगा, जब वो सारे रिकॉर्ड को कंसिडर कर लेगा, अक्यूज की प्रोसिक्यूशन की सबमिशन सुन लेगा, तो उसके बाद उसको फैसला करना है। तो मैंने आपको बताया कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहली पॉसिबिलिटीज तो क्या है कि साहब सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वहां पर वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। देखिए आपको यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, वो एक्विट नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट एक्विटल, वो बरी नहीं कर रहा है। बरी कब होगा, एक्विटल कब होगा, जब हम सारी ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक्विटल होता है, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस, मतलब उसके अगेंस्ट कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं होता भाई। ट्रायल तो तब चलेगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रायल कब शुरू होती है, जब चार्ज फ्रेम हो जाए, उसी के बाद तो ट्रायल शुरू होगी ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हो रहे उसके अगेंस्ट, चार्ज ही फ्रेम नहीं हो रहे तो हम उसको क्यों लटका के बैठे भैया, जाने दो उसको अपने घर, तो हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 227, ठीक है, सेक्शन 227 में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मान लीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी बनती कि सफिशिएंट ग्राउंड है, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, नॉट सफिशिएंट ग्राउंड, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सफिशिएंट ग्राउंड है। अब सफिशिएंट ग्राउंड है कि अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है, मतलब ये प्रेज्यूम किया जा सकता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास फिर से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट, मतलब सेशन के पास मामला गया है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भैया हाँ लगता है कि अक्यूज्ड ने कमिट किया है, मतलब वी कैन प्रेज्यूम दैट, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड है, वी कैन प्रेज्यूम दैट कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। लेकिन उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि कौन उस मामले को ट्राई कर सकता है, क्या सेशन ट्राई कर सकता है या कोई और अदालत ट्राई करेगी, ठीक है। तो अगर सेशन ट्राई कर सकता है तो भैया हम क्या करेंगे, हम फ्रेम चार्जेस कर देंगे, और इसमें शैल शब्द का उपयोग किया गया है कि कोर्ट को चार्ज फ्रेम करने ही करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा से बता देता हूं, इसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात ये बताई है, मैंने छोटी सी बात आपको ये बताई है, एक सेकंड, कि भैया अगर सफिशिएंट ग्राउंड हैं कि प्रेज्यूम किया जा सकता है, प्लस वो जो केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन है, ये दोनों चीज होने पर क्या होगा, शैल कोर्ट को चार्ज फ्रेम करने ही करने, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, दूसरी सिचुएशन ये आती है कि जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं है, ठीक है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए जो मुकदमा आया आपके पास वो अटेम्प्ट टू मर्डर का आया है, सॉरी अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा आया है, ठीक है, मतलब जो पुलिस रिपोर्ट बन के आई है उसमें लिखा है कि भैया ये तो एक एक मिनट मैं इसको और अच्छे से जगह ढूंढता हूँ, थोड़ी सी यहां पे समझाता हूं। हाँ देखिए, ये मिस्टर ए हैं, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, ठीक है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट तैयार की, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश की, मजिस्ट्रेट ने उसी पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले लिया और मामला भेज दिया सेशंस में, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला सेशन कोर्ट ही ट्राई कर सकता है, ठीक है। अब सेशन के पास आ गया, अब सेशन के पास जब मामला आया तो अब ये तो क्लियर हो गया कि अक्यूज ने जो चोटें मारी गई हैं वो अक्यूज ने मारी हैं, ठीक है। लेकिन सेशन जज को ये लगता है कि साहब ये चोटें इतनी गंभीर नहीं है कि अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाए, ये ज्यादा से ज्यादा ग्रीवियस हर्ट में आ सकती हैं। अब मान लीजिए छोटा सा उदाहरण, ये मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए उसने उसके बोन्स तोड़ रखी है, मान ली हाथ की हड्डियां तोड़ रखी हैं, अब पुलिस ने क्या किया, इसको अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, लेकिन सेशन जज साहब को लगता है कि यार हड्डियां तोड़ी हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीवियस हर्ट बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर तो बनता ही नहीं ना। तो ये वो मामले हैं जो कि, अब देखिए जैसे ही अटेम्प्ट टू मर्डर था तो कौन ट्राई करेगा,
सेशन ट्राई करेगा। अटेम्प्ट टू मर्डर को कौन ट्राई करता है? सेशन ट्राई करता है। ये मैं कहां से पता चलेगा? जो लास्ट में इंडेक्स, एक सेकंड इंडेक्स मैं बताता हूं आपको। शेड्यूल, सॉरी नॉट शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल से आपको क्लियर होगा कि कौन सा केस कौन किसके द्वारा ट्राई किया जाएगा। तो जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो तो सेशन ट्राई करेगा, लेकिन ग्रीवियस हर्ट को कौन ट्राई करेगा? मजिस्ट्रेट। तो अब सिचुएशन क्या आई कि सेशन जज को यह तो लग रहा है कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन सेशन जज इस ओपिनियन का है कि भैया ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं बनता है, तो बिना बात फंसाने की बात है, हाँ ग्रीवियस हर्ट बनता है। तो जैसे ही ओपिनियन ये बनता है कि ग्रीवियस हर्ट बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बनता, इसका मतलब ये मामला सेशन नहीं ट्राई कर सकता, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट कौन ट्राई कर सकता है? मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। तो ये वो मामले हैं जो कि नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय दी कोर्ट ऑफ सेशन। अब स्थिति ये बनती है, एक सेकेंड, स्थिति ये बनती है कि ऐसी स्थिति में अब कोर्ट क्या करेगा? भैया कोर्ट सीधा ट्रांसफर कर देगा उस केस को किस, और ट्रांसफर करेगा तो किसको ट्रांसफर करेगा या चार्ज फ्रेम करेगा, कोर्ट क्या करेगा? तो उसमें होता क्या है, देखिए उसमें सिचुएशन ये बनेगी कि उसके पास डिस्क्रीशन है। अगर सेशन चाहे तो मे फ्रेम दी चार्ज, चार्ज फ्रेम कर देगा और उसके बाद ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर किसको करेगा? या तो सीजीएम को कर देगा, और सीजीएम साहब की जिम्मेदारी होती है कि जिस भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती है वो उसको भेज दे, या वो डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि सीजीएम को ही भेजना है, वो सीजीएम को भी भेज सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति में कि जब चार्ज तो फ्रेम होने चाहिए लेकिन वो मामला एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन नहीं है और सेशन को वो मामला ट्रांसफर करना है, तो क्या सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है जी, उसका डिस्क्रिशन है। अगर वो चाहे तो चार्ज फ्रेम, पहले चार्ज फ्रेम करे और उसके बाद ट्रांसफर कर दे, या वो सीधा ट्रांसफर कर दे और लेट दी मजिस्ट्रेट टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग दी चार्ज। तो यहां पर है मे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, तो हमें ये याद रखना है कि ऐसे मामले जहां पर सेशन को लगता है कि हाँ सुफिशिएंट ग्राउंड है अक्यूज के अगेंस्ट, लेकिन सेशन को ये भी लगता है कि ये जो मामला है ये मेरे द्वारा ट्राई ना करके ये किसी और के द्वारा ट्राई किया जाएगा, ऐसे में वो चार्ज फ्रेम कर सकता है और उसके बाद ट्रांसफर कर सकता है, या वो सीधा भी ट्रांसफर कर सकता है, चार्ज फ्रेम ना करे। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं अगली बात पे। मान लीजिए चार्ज फ्रेम हो गए, ठीक है, अब चार्ज फ्रेम होने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? चार्ज फ्रेम होने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि चार्ज पढ़ के सुनाए जाते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन किए जाते हैं अक्यूज को। अक्यूज को ये बताया जाता है कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, और उसको ताकि ये क्लियर कट रहे कि भैया उसके अगेंस्ट क्या चार्ज फ्रेम किए गए। नॉर्मल सा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि अक्यूज को एग्जैक्टली पता हो। ये बताने के बाद हमने उसको चार्ज पढ़ के सुना दिया कि भाई इस मामले में तेरे अगेंस्ट चार्ज बन रहे हैं, और एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद आता है अगला स्टेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, हम अक्यूज्ड से पूछेंगे कि भैया तुम प्लीड गिल्टी करते हो या तुम ट्रायल चाहते हो, बताओ। प्लीड गिल्टी का मतलब यह है कि क्या तुम अपना गिल्ट मान रहे हो, या तुम ये कह रहे हो कि नहीं साहब मेरी गलती नहीं है, मेरा गिल्ट नहीं है, मैं अक्यूज्ड, मतलब मैंने ये नहीं किया, और तुम ट्रायल चाहते हो, मतलब तुम क्या चाहते हो। तो ये ऑप्शन हम अपने आप से अक्यूज्ड को देते हैं, ठीक है। अब देखिए दो चीज हो सकती है, मान ले या तो अक्यूज ये मान लेगा हाँ जी जनाब मैंने गिल्ट किया है, मैं अपना कमी गिल्ट मानता हूं, या फिर वो कहेगा नहीं जनाब मैंने ये काम नहीं किया, मैं तो ट्रायल चाहता हूं, ट्रायल के माध्यम से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मेरी गलती नहीं है और मैं एक्यूट हो जाऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसने गिल्टी प्लीड कर लिया, तो क्या होगा, फिर हम पहुंच गए सेक्शन 229 पर। सेक्शन 229 क्या कहता है? सेक्शन 229 ये कहता है कि अगर अक्यूज्ड प्ली ऑफ गिल्टी कर देता है कि हाँ जनाब मैं गिल्टी हूं, मैंने ये किया है,
तो जज क्या करेगा, शैल रिकॉर्ड, उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहली चीज ये शैल है, मतलब वो बच नहीं सकता, उसको रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा कि अक्यूज ने इस मामले में अपने आप को गिल्टी माना था। ठीक है जी। उसके बाद सवाल ये उठता है कि जब अक्यूज ने अपने आप को गिल्टी मान लिया, ठीक है, तो चलो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि वो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड कर लिया। अगला स्टेप है सीधा कन्विक्शन। जो उसने माना है कि जनाब मैंने किया है, तो सीधा उसको कन्विक्ट कर दो। ट्रायल ही क्यों चलानी है, ट्रायल तो जब चलानी चाहिए ना, जब भैया वो ये कहेगी नहीं मैंने तो किया ही नहीं, जब वो कह रहा है कि मैंने ही किया है, तो आप सीधा उसको कन्विक्ट कर दीजिए ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या हर स्थिति में जज उसको कन्विक्ट कर देगा? इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे लिखा गया मे कन्विक्ट, ये मे क्यों आता है, शैल क्यों नहीं आया? भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्राइम किया हो किसी और ने और वो अपने सिर ले रहा हो। जैसे अभी दो दिन पहले द्वारका में एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में दो बहनें गाड़ियां चला रही थी, तो जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब हो सकता है कि जो बहन गाड़ी नहीं चला रही थी उसने अपने सिर ले लिया अपनी बहन का क्राइम, मतलब उनसे एक एक्सीडेंट हो गया, दो बूढ़े लोगों की डेथ हो गई, तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपनी बहन का क्राइम अपने सिर ले रही हो और वो कोर्ट में जाके कहे कि यार, जज पूछे कि हाँ भैया आपने किया था, तो कह दी हाँ जी मैंने किया था। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई, दूसरा हो सकता है उस पर कोई दबाव हो किसी भी तरीके का। तो जरूरी नहीं है कि प्ली गिल्टी होने के बाद जज उसे कन्विक्ट करे ही करे, यहां पर मे शब्द का उपयोग है। तो ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का। कोर्ट का डिस्क्रिशन क्या है कि कोर्ट चाहे तो उसको कन्विक्ट भी कर सकती है प्लीड गिल्टी पर, और कोर्ट चाहे तो ट्रायल भी चला सकती है। कोर्ट ये कह देगी कि नहीं भैया मुझे तो ट्रायल चलाना है इसके ऊपर, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है या बोल रहा है, मुझे लगता है किसी दबाव में है, मैं तो ट्रायल से सुनिश्चित करूंगा कि हाँ इसी ने किया है। बेशक वो प्लीड गिल्टी कर ले, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, बेशक वो प्लीड गिल्टी कर ले, जरूरी नहीं है कि कन्विक्शन हो जाए, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का। मे शब्द का उपयोग है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो उसी प्लीड गिल्टी पर कन्विक्ट कर दे और वो चाहे तो ट्रायल को आगे चलाए। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही देखिए तीन सिचुएशन अपने पास आ गई, क्या क्या सिचुएशन आई, या तो अक्यूज रिफ्यूज कर दे कि भैया मैं तो गिल्टी प्ली नहीं करता, या अक्यूज ये कहे नहीं जी मेरा तो ट्रायल कराओ, या वो प्लीड गिल्टी कर दे लेकिन कोर्ट ये कहे कि नहीं मैं कन्विक्ट नहीं कर रहा। सेक्शन 229 में अभी मैंने बताया कि मे शब्द का उपयोग है, हो सकता है प्लीड गिल्टी के बाद भी कोर्ट ये कहे कि नहीं मैं तो इसको कन्विक्ट नहीं कर रहा, मैं तो ट्रायल चलाऊंगा। इन तीनों सिचुएशंस में जज का अगला काम क्या होगा, जज एक डेट फिक्स कर देगा जिस दिन एग्जामिनेशन होगा विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, भाई प्रोसिक्यूशन विटनेस लाना चाहता होगा ना, चश्मदीद गवाह लाना चाहता होगा कि भैया इसने देखा उसने देखा। एक सेकेंड, पेन को क्या हो गया, जी हाँ जी। तो अब जब ये हो चुका है कि हमें ट्रायल चलानी है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले होते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, मतलब जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं। अब मान लीजिए प्रोसिक्यूशन विटनेस लाना चाहता है, विटनेस वन, विटनेस टू, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस। आप जब भी कोई जजमेंट पढ़ेंगे उसमें शब्द आएगा प्रोसिक्यूशन विटनेस वन, पीडब्ल्यू वन, पीडब्ल्यू टू, पीडब्ल्यू थ्री, तो जिसका सबसे पहले एविडेंस हुआ उसको वन बोलेंगे, जिसका दूसरे नंबर पे उसको टू, इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस, पीडब्ल्यू, और जो डिफेंस अपने विटनेस लेके आएगा उसको बोलते हैं डीडब्ल्यू, डिफेंस विटनेस। इसी का इसी तरीके से इसके भी नंबर हो जाते हैं वन टू थ्री। तो अब ट्रायल शुरू हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुकी है, तो भैया जो सेशन जज हैं वो क्या करेंगे, वो एक डेट फिक्स कर देंगे कि प्रोसिक्यूशन जो भी विटनेस लाना चाहता है वो विटनेस आप भैया ले आइए, हम उनका एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उनसे एविडेंस ले लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि साहब ये विटनेस है, मैं चाहता हूं कि कोर्ट इनको
कंपेल करे, ये हमारे कहने से नहीं आएंगे, कोर्ट को अपनी तरफ से इनकी अटेंडेंस सुनिश्चित करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन एक एप्लीकेशन भी लगा सकता है कि फलाने विटनेस को आप बुला लीजिए, कोर्ट की तरफ से उसको समन या वारंट चला जाए, ठीक है जी। तो ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन 231 में एविडेंस होता है प्रोसिक्यूशन का, ठीक है। जो डेट फिक्स होगी, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा, डेट फिक्स करेगा कि मान लीजिए 15 तारीख को, 15/4 को 2021 को आप प्रोसिक्यूशन के विटनेस जो हैं पीडब्ल्यू वो आ जाएं और अपना एविडेंस दे दें, उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, एविडेंस होगा प्रोसिक्यूशन का, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो भी एविडेंस हुए थे प्रोसिक्यूशन ने मान लीजिए विटनेस बुलाए P W 1, 2, 3, मान लीजिए उन्होंने 25 विटनेस बुलाए टोटल, ठीक है। उसमें चश्मदीद गवाह भी हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हैं, टोटल उन्होंने 25 विटनेस बुलाए, ठीक है। उस 25 विटनेस के साथ साथ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को वो अलग अलग पॉइंट्स पे सुनेगा कोर्ट, और साथ में एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 313 हमने बहुत डिटेल में किया था जब हमने एविडेंस किया था, तो एविडेंस के साथ हमने सेक्शन 313 कर लिया था। तो इसमें तीन चीज हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन 313 के बारे में दोबारा से बता देता हूं, तो आपको थोड़ा सा दोबारा से याद आ जाए इसमें क्या क्या चीजें थी। सेक्शन 313 में क्या कह रहा था कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस लाना चाहता है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो कोर्ट अक्यूज से सवाल पूछेगा, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अभी अक्यूज के एविडेंस नहीं आए हैं, कोर्ट ये कहेगा कि जनाब आपके अगेंस्ट ये बात बोल रहा है, तो आपका क्या कहना है। मान लीजिए एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अक्यूज्ड को वहां से भागता देखा, तो कोर्ट उससे पूछेगा कि भैया प्रोसिक्यूशन विटनेस फाइव ये कह रहा है कि मैंने आपको वहां से भागता हुआ देखा था, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका जवाब क्या है इसमें। तो अक्यूज अपना जवाब देगा कि नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, इसको मेरे पैसे देने इसलिए झूठ बोल रहा है, ये प्लांटेड विटनेस है। मतलब कुल मिलाकर जितने भी एविडेंस आए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसके बारे में अक्यूज का क्या कहना है, अक्यूज की क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या जवाब है, वो हम अक्यूज से सेक्शन 313 में पूछते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, देखिए मैं दोबारा से आपको रिवाइंड करा देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, चार्ज फ्रेम हो गए, चार्ज फ्रेम होने के बाद हमने अक्यूज को पढ़ के सुना दिया कि भैया ये तेरे अगेंस्ट चार्ज है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमने अक्यूज से सवाल पूछा कि भैया आप अपनी प्लीड गिल्टी करते हो या आप ट्रायल चाहते हो। अक्यूज ने कहा जी मैं तो प्लीड गिल्टी करता हूं जनाब, मेरे से गलती हो गई। अब ऐसे में जज साहब हो सकता है उसको उसी पे कन्विक्ट कर दें, ट्रायल ही ना आगे करें, और अक्यूज जज साहब ये भी कर सकते हैं कि नहीं भाई ये बेशक प्लीड गिल्टी कर ले, ट्रायल चलाते हैं, किसी दबाव में है। या फिर अक्यूज ये कहे कि मुझे ट्रायल चाहिए। इन तीनों सिचुएशन में या तो प्लीड गिल्टी करने के लिए मना कर दे, या फिर वो ट्रायल कहे कि मुझे ट्रायल चाहिए, या फिर उसने प्लीड गिल्टी कर लिया लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि मुझे ट्रायल करानी है। इन तीनों सिचुएशंस में प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और जितने भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस है उनकी डेट फिक्स कर दी जाएगी कि प्रोसिक्यूशन जो भी आप एविडेंस लेके आना चाहते हो अपनी बात प्रूव करने के लिए, वो आप एविडेंस ले आइए, इस तारीख को आप ले आइए। अब साथ में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो प्रोसिक्यूशन को लगता है कि वो हमारे उससे तो नहीं आएंगे, तो वो एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में कि जनाब इनको आप प्रोसेस इशू कर दीजिए कि इनको आप कोर्ट में अटेंडेंस इनकी आप सुनिश्चित कीजिए, ठीक है जी। तो उन सबका एविडेंस हो गया, उनका एग्जामिनेशन हो गया, जो भी वो गवाह लेके आए उनका एविडेंस हो गया। अब उनका एविडेंस हो चुका है, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को जज सुन चुका है, और सेक्शन 313 में अक्यूज का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, उससे एक्सप्लेनेशन भी सीख कर ली जाती है। अब कुल मिला के जज के पास मोटा मोटा एक खाका तैयार हो चुका है, उसको मामला समझ में अच्छे से आ चुका है, ठीक है। तो अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये तीनों चीज होने के बाद उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि अक्यूज के अगेंस्ट कोई एविडेंस ढंग का आया ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं मिला। मतलब मान लीजिए सारे एविडेंस जो थे वो या तो आए नहीं, या वो मुकर गए, या फिर होस्टाइल हो गए, कुछ भी हो गया। जब एविडेंस ही नहीं है तो भैया क्या करोगे, एक्विटल, उसको एक्विट कर दोगे, बाइज्जत बरी कर देंगे, ठीक है जी। और अगर नॉर्मल सी बात है, और अगर एक्विट नहीं किया, अगर एक्विट नहीं किया तो हम प्रोसेस को आगे चलाएंगे,
अगर वहीं पर उसको एक्विट कर दिया, ठीक है, तो अच्छी बात है, अक्यूज अपने घर, प्रोसिक्यूशन अपने घर, छोड़ो भाई केस को खत्म करो। लेकिन अगर एक्विट नहीं किया तो इसका मतलब एविडेंस तो है, अब एविडेंस है तो इसका मतलब हम इसमें आगे चलाएंगे, सेक्शन 233 आ जाएगा, वो कहता है कि अब अक्यूज्ड अपने एविडेंस लेके आएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव कर दिया किसी एविडेंस PW7 से कि साहब मैंने ए को, ए अक्यूज्ड है बी को मारते हुए देखा चक्कू, ठीक है, 313 के एग्जामिनेशन में अक्यूज ने कह दिया जी मैंने नहीं मारा, ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई मामले में गड़बड़ तो है, तो कोर्ट ने उसको एक्विट नहीं किया। अब क्या होगा, प्रोसिक्यूशन सॉरी अब क्या होगा कि कोर्ट बोलेगा कि तुम अपने एविडेंस लेके आओ, प्रूव करो कि तुमने नहीं मारा। तो यहां पर अक्यूज किसको लेके आ सकता है, अक्यूज लेके आ सकता है डिफेंस विटनेस वन, जो ये कहे कि साहब शाम को 7 बजे जिस समय घटना हुई है उस समय तो ये मेरे साथ वहां से 100 किलोमीटर दूर था। तो यहां पर अब क्या होगा, डिफेंस के एविडेंस आएंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आए थे, फिर हमने अक्यूज से उसका एग्जामिनेशन किया था, उसके बाद हम डिफेंस के एविडेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अब डिफेंस के एविडेंस भी आ चुके हैं, तो हमारे पास क्या है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ चुके हैं, डिफेंस के एविडेंस आ चुके हैं। अब जब दोनों एविडेंस आ चुके हैं, अब आती है स्टेज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहां पर दोनों पक्ष, दोनों वकील अपनी अपनी बात कहेंगे कि साहब ये इसमें देखो पॉइंट मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है, मतलब फाइनल आर्ग्यूमेंट इस स्टेज पर होता है जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी आ चुका है और डिफेंस एविडेंस भी पूरा आ चुका है, सॉरी DW नहीं DE, डिफेंस एविडेंस, ठीक है जी। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या होगा, वही अगर उसको लगता है कि भैया नहीं बात बनती, ऑफेंस नहीं बनता, तो एक्विट हो जाएगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसी ने किया है तो कन्विक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्विटल की स्टेज भी दो हैं, एक्विटल की स्टेज भी दो हैं। पहली स्टेज कब थी, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो चुका है और अक्यूज का एग्जामिनेशन हो चुका है और कोर्ट को लगता है कि भाई कोई इसके अगेंस्ट तो ढंग का प्रूफ है ही नहीं, कुछ कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कुछ नहीं, तुमने तो बिना बात की कहानी जोड़ रखी है, तो वहां पर भी कोर्ट उसको सीधा एक्विट कर रहा था, ठीक है जी। ये सेक्शन 232, सेक्शन 232 में सीधा उसको एक्विट कर रहा था। वहीं पर अगर यहां पर कोर्ट को लगता है कि नहीं इस स्टेज पे तो एक्विट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा, डिफेंस एविडेंस करवाएगा। डिफेंस एविडेंस के बाद हो सकता है कोर्ट को लगे कि हाँ यार अक्यूज को तो फंसाया गया है, तो वहां पर भी वो उसको एक्विट कर सकता है या कन्विक्ट कर सकता है। चलिए अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, ये तो बात हुई आधी अभी। उसके बाद क्या होता है कि जब मान लीजिए आपको ये हो गया कि इसको तो मैं कन्विक्ट करूंगा भैया, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, अब कोर्ट कन्विक्ट तो कर दिया कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल आएगा सेंटेंस का कि सजा कितनी दी जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मर्डर है, अब मर्डर में लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है और डेथ सेंटेंस भी है, ठीक है, तो अब इस बात पर बहस होगी, उस बात पे बहस होगी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाए या डेथ दी जाए, ठीक है। जैसे आप अलग अलग ऑफेंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है मैक्सिमम पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट, तो मैक्सिमम देनी है या मिनिमम देनी है, तो उस चीज पर बहस होगी। तो मान लीजिए अक्यूज ये कहे कि जनाब पहली बार ऑफेंस हुआ है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं तो अच्छे घर का हूं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन उस दिन ऑफेंस हो गया, तो ये सारी चीजें जज के सामने रखी जाएंगी कि चलो भाई कन्विक्स तो हो गया लेकिन सेंटेंस तो कम से कम मिल जाए, तो सेंटेंस की हियरिंग होती है। इसमें हमें एक चीज समझने की जरूरत है जो कि प्रिलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि ये शैल है, ये सेंटेंस की हियरिंग होगी ही होगी, सेशन ट्रायल हो या वारंट केस की ट्रायल हो, वारंट केस का ट्रायल हम आगे देखेंगे, उसमें ये कन्विक्शन के बाद सेंटेंस की हियरिंग होगी ही होगी, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक सिचुएशन है, ट्रायल ऑफ समन्स केस, अगर समन केस का ट्रायल है वहां पर ये मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज ये हियरिंग होगी ही होगी। ये बहुत बार प्रिलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कन्विक्ट होने के बाद सेंटेंस पे हियरिंग होती है कि अब भैया सजा कितनी इसको दी जाए, ठीक है जी। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में वो सेक्शन 236, ये पूछा जाता है कि प्रीवियस कन्विक्शन की बात कौन से सेक्शन में आती है, तो वो आती है सेक्शन 236 में।
ठीक है, ये आपको याद करना है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये कहानी क्या होती है। देखिए, अगर आप सेक्शन 75 आईपीसी, सेक्शन 75 आईपीसी देखेंगे, तो सेक्शन 75 आईपीसी में क्या है कि अगर आप एक ऑफेंस दूसरी बार कर रहे हैं तो आपकी जो पनिशमेंट है वो एनहेंस हो जाएगी। कौन कौन से ऑफेंसेज हैं वो आप सेक्शन 75 से देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको फंडा बता रहा हूं कि अगर आप एक ऑफेंस में पहले भी आप कन्विक्ट हुए थे और फिर से आपने वो ऑफेंस कर दिया, तो अगली बार जब आपको पनिशमेंट मिलेगी तो एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी, बढ़कर पनिशमेंट मिलेगी कुछ ऑफेंसेज में, जो आपको ऑफेंसेज 75 से 75 आईपीसी में देखने, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इनको पहले कन्विक्शन हो गई किसी ऑफेंस में, ये कन्विक्शन पूरी कराए, उसके बाद मिस्टर ए ने फिर से निकाल के वही ऑफेंस कर दिया फिर से, अब इसकी ट्रायल चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि प्रीवियस कन्विक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो इसकी सजा बढ़ के मिलेगी, तो ये प्रीवियस कन्विक्शन की कहानी कब लेके आएगा प्रोसिक्यूशन बीच में? तो सेक्शन 236 ये कहता है कि भैया कन्विक्ट होने के बाद, उससे पहले आप प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं करोगे, आप सेशन जज को ट्रायल के दौरान ये नहीं कहोगे कि साहब इसको तो इसी ऑफेंस में प्रीवियस कन्विक्शन भी हुई थी। क्यों? सेशन बायस्ड हो सकता है। तो सेक्शन 236 क्या कहता है, अगर दूसरी वाली ट्रायल में अगर वो कन्विक्ट हो गया, अब प्रोसिक्यूशन आएगा कि साहब सेंटेंस देनी है तो इसको तो बढ़ा के देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने तो ऑफेंस पहले भी कर रखा था, उसके बीच में नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मेन बात पता होनी चाहिए वो ये है कि सेक्शन 236 में प्रीवियस कन्विक्शन की बात कही गई है, और इसी तरीके से अपना सेशन ट्रायल पूरा हो जाता है। अब इस फ्लो चार्ट से मैं दोबारा से सारा फंडा एक बार रिवाइंड कर देता हूं ताकि अपने फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये आपके पास सेशन ट्रायल शुरू, सेशन में कोर्ट आया, सबसे पहले कमिटल केस है सेक्शन 209, मजिस्ट्रेट के पास केस आया था, उसने कमिट करके सेशन को भेजा क्योंकि वो उस केस को ट्राई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो केस कमिट होके आपके पास आ गया सेक्शन 209 में। तो सबसे पहले क्या है कि ट्रायल कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये हमने 225 में पढ़ा था कि जो ट्रायल है प्रोसिक्यूशन कौन कंडक्ट करेगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा सेशन ट्रायल। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग ऑफ द केस सेक्शन 226 में आता है। ओपनिंग ऑफ द केस के बाद या तो उसको डिस्चार्ज करेंगे तो सेक्शन 227, या हम उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर देंगे। डिस्चार्ज कब कर रहे थे, जब कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो हम उसको क्या करते, डिस्चार्ज। ठीक है जी, अब देखिए ये डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस है, और क्यों डिस्चार्ज वाली स्टेज पर अगर हमारी बात बन जाती है, अक्यूज की बात बन जाती है, तो कैसे वो फायदा है। मान लीजिए आप डिस्चार्ज हो गए, आपके ऊपर मर्डर का 302 का मुकदमा चल रहा है, और आप मान लीजिए डिस्चार्ज हो गए। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, डिस्चार्ज बहुत कम कोर्ट करती है, और ऐसे संगीन मुकदमों में तो खासकर, लेकिन मान लीजिए आप डिस्चार्ज हो गए तो आप पूरी ट्रायल से ही बच गए, शुरुआत में ही आपको रिलीफ मिल गई। ठीक है, तो डिस्चार्ज का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो या तो आपको डिस्चार्ज कर देगा कोर्ट, या आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर देगा। चार्ज अगर फ्रेम कर दिया तो पूछेगा कि भैया आप प्ली ऑफ गिल्ट मान रहे हो सेक्शन 228(2) में, अगर मान रहे हो तो आपको कन्विक्ट कर सकता है, या फिर आपके अगेंस्ट ट्रायल चला सकता है, और अगर नहीं मान रहे तो भी आपके अगेंस्ट ट्रायल चला सकता है। अब आपके अगेंस्ट देखिए ट्रायल शुरू हो गई है, ट्रायल शुरू हो गई तो सबसे पहले क्या था कि डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे तो उसके लिए डेट फाइनल कर दी। अब डेट फाइनल होने के बाद एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट अंडर 313, 313 की स्टेटमेंट लेंगे हम अक्यूज की। अब ये दोनों चीज करने के बाद, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 हमने अक्यूज की स्टेटमेंट ले ली, अगर कोई एविडेंस नहीं निकल के आया इन दोनों चीजों को करने के बाद तो हम उसको एक्विट कर देंगे। क्यों बिना बात भाई खींच रहे हो मामले को? लेकिन अगर हमने एक्विट नहीं किया तो हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, हम अब बोलेंगे कि डिफेंस भाई एक्विट नहीं कर रहे हैं, तो अपने एविडेंस लेके आ, और अपने एविडेंस से लेके प्रूव कर कि ये जो जितने भी प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस हैं, एविडेंसेस हैं, उनको आप नेगेट कीजिए। तो डिफेंस एविडेंस हो गए। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो चुके हैं, डिफेंस एविडेंस हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, अब होगा भैया आर्ग्यूमेंट सेक्शन 234 में दिया गया है। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट जजमेंट देगा, जजमेंट में या तो कोर्ट एक्विट करेगा या कन्विक्ट करेगा, अगर कन्विक्ट करता है तो हियरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस होगी, और यहां पर फिर उसको सजा सुना दी जाएगी कि भैया कितने साल की उसको सजा मिल रही है, और इस तरीके से अपना सेशन ट्रायल खत्म होता है। थैंक यू।